हेलो वीवर्स, आज मैं आपके साथ चिकन चिल्ली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब रेस्टोरेंट क्यों जाना जब रेस्टोरेंट का खाना हम घर में ही बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है चिकन, 250 ग्राम के करीब चिकन है, बिना हड्डियों का गोश्त है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1/2 चम्मच रेड फूड कलर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है चिकन में। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच अरारोट का पाउडर, 2 चम्मच मैदा डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 अंडा, 1 अंडा जिसे मैं अच्छे से फेंट लूंगी। इसमें मैं आधा ही डालूंगी और आधा बचा लूंगी, क्योंकि चिकन कम है इसलिए हम पूरा अंडा नहीं डालेंगे, आधा ही अंडा डालेंगे और आधे अंडे को बचा लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अंडा आप ज़रूर डालें, अंडा डालने से क्या होता है, जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो वो कढ़ाई में नहीं लगता है। अपने चिकन को मैरिनेट कर दिया है, अब हम इसे ऐसे ही रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। हमने कढ़ाई में अपना तेल डाल दिया है, तेल भी हमारा अच्छे से हीट हो गया है। इसमें हम डालेंगे अपने चिकन के पीसेस। आपकी कढ़ाई में जितनी जगह हो उतनी ही जगह भर के आप चिकन डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चिकन ना डालें वरना फ्राई करते वक्त एक दूसरे में चिकन चिपक जाएंगे। जितने कढ़ाई में है उतना ही डालें। हम इसे करेंगे डीप फ्राई। हमने अपने सारे चिकन के पीसेस डाल दिए हैं, हम इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, इसके बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसे ऐसे टर्न कर देंगे। पांच मिनट हो गया है हमारे चिकन को फ्राई करते हुए। 2 मिनट हम और इसे फ्राई करेंगे ताकि हमारे चिकन एकदम अच्छे से अंदर पक जाए, कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। वैसे ये छोटी छोटी पीसेस है, जल्दी ही पक जाता है, लेकिन हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। 7 मिनट हो गया है और हमारा चिकन एकदम अच्छे से पक गया है, तो चलिए अपने चिकन को निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा चिकन पक गया है, इसका कलर भी कुछ चेंज हो गया है। तो चलिए अपने चिकन चिल्ली की ग्रेवी बना लेते हैं। हमने अपना पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब ऑयल, ये वही ऑयल है जिसमें हमने अपने चिकन को फ्राई किया था। इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे, 1 मिनट हम इसे ऐसे लगातार चला लेंगे। अदरक जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे हम डालकर अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें डालें 1 चम्मच धनिया की डंठल, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे डालकर अच्छे से भून लें। मैं डाल रही हूँ 1 शिमला मिर्च जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, और 1 प्याज जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। वो 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे और इसे ढक कर रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि ये कुछ सॉफ्ट हो जाए। हम इसे कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट हो गया है, तो चलिए इसे एक बार हम चला लेते हैं, फिर इसमें डालेंगे अपने सॉसेस। एक चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच भर के टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस, अब इसमें डालें 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। Thank you.
चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच नमक। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। अब अपनी ग्रेवी में गाढ़ापन लाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच मैदा, जिसे मैंने एक कटोरी पानी में डालकर उसका घोल बना लिया है। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ापन आएगा इससे। अब इसमें डालें थोड़ा सा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी करके आप डालें। आपको जितनी थिकनेस चाहिए हो ग्रेवी की, आप उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें आधा कटोरी पानी डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच रेड फूड कलर, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा इसमें। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। हमारी चिकन चिल्ली की ग्रेवी बनकर रेडी है। अब इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ चिकन और इसमें डालें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। तो चलिए, मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे ताकि हमारे चिकन में सारी ग्रेवी ऑब्जर्व हो जाए। 5 मिनट के बाद ये देखिए, हमारे चिकन ने सारी ग्रेवी ऑब्जर्व कर ली है और देखने में कितना ही टेस्टी दिख रहा है। हमारी चिकन चिल्ली बनकर एकदम रेडी है।